चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। हेलो राम राम जी। अब हम जा रहे हैं मंदिर और आज है शिवरात्रि। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। ये सामान मंदिर में ले जा रहे, टोकरी में फल रख लिए हैं, घी बत्ती, इसमें जल है डोलू में, फूल ले लेंगे वहीं से। हैं चलो। सबको हैप्पी शिवरात्रि। अब चलते हैं मंदिर में, आपको दिखाएंगे मंदिर भी जाके। आज हम दूसरे मंदिर में जाएंगे। और अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में। मंदिर में रेडियो बज रही, आवाज आ रही होगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे फूल बेच रहे हैं। और ये मम्मी ने फूल ले लिए। और ये है हमारा मंदिर। और अब हम आगे हैं घर। ये प्रसाद मिला हमें मंदिर में, बेर। और मम्मी पी रही है दूध मंदिर से आने के बाद। और इधर इधर माँ भी रस डाल के दूध में पी रही है। और इनके लिए बना रही हूँ मैं चाय। ये चाय का पानी रख दिया, अब चाय बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप दोस्तों के रोज मैं ही मिलता हूँ क्योंकि मैं यहीं पे रोज सुबह उठता हूँ। पारुल मेरे लिए अब से चाय नहीं ला रही है, अब से ला रही है दूध, क्योंकि दूध शरीर के लिए सही है। चाय से खुजली होती है, सच बताओ तो। आपको भी नहीं पीनी चाहिए, सुबह उठ कर दूध पी लो, वो अच्छा है। चाहे थोड़ा पी लो बट पी लो। और साथ में मैं ले रहा हूँ बिस्किट, तो आप भी आइए और मेरे साथ खाइए दूध और बिस्किट। आपके लिए भी अच्छी और सेहत के लिए भी अच्छी। टिंग टिंग टिंग। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी ऑफिस के लिए, और पापा जी भी रेडी हैं और बस हम निकल रहे हैं। तो मैंने अपना बैग टांग लिया है और बाय बाय। अब पारुल और मम्मी जी बनाएंगी आगे का व्लॉग। बाय बाय पारुल, बाय बाय। और बाहर ढोल बज रहा। और ये देखिए ब्राउनी कैसे खड़ी है यहाँ पे। क्या देख रही ब्राउनी?
मम्मी को देख रही। मम्मी गई थी दूध लेने और आज माँ भी गई थी मम्मी के साथ, अब आई है। ब्राउनी देख मम्मी आ गई, ये देख रही जा, ये दीवार खुरच रही है तो कहाँ देखेगी। खोद देना सारी दीवारों को, तेरे पहले ही बहुत छोड़ रखी है ना ये। ब्राउनी इस तक खेल लेना टेडी बियर से, इसे खा ले पागल सी। ओके मुझे लग रही भूख, भूख के मारे साथ मेरे सिर में दर्द हो, तो मैं खाऊंगी सलाई के लड्डू। तो केड़ा भी खा लिया, अंगूर भी खा लिए, पर अंत तो नहीं हो। नमक के बिना तो ये जा चक्कर से आए जा नमक। और मम्मी का व्रत है उसके लिए बनेगी सामक की खिचड़ी, ये रखे सामक के चावल और ये हरी मिर्च। और ये बनाई है पारुल ने व्रत की खिचड़ी सामक के चावल होगी, पतली सी मेरे को पसंद है, पतली ही बनाई और मैं खाने लग रही। आप भी खा लो मेरे साथ में, जिनका व्रत है दही के साथ। इधर माँ भी खा रही है और इधर मैं भी खा रही हूँ। और दोस्तों आ गए हम ऑफिस से और देखिए आज मेरा बैग फुल भर रहा है, उसमें क्या है पा रहा है। ये लाए हम हरी प्याज और ये है आपके संतरे और ये है अनार। तो फ्रूट्स में दोनों चीजें हैं और भी है कुछ सब्जी हम निकालते हैं। एक चीज ले आते दो दो फिर ये बेकार है क्या तो समझे। और ये फिर और साग और हरी मिर्च कुछ भी नहीं, सब्जी सब्जी क्या लाए हम, फैलाव है बस सब्जी का। मेथी कहां है मेथी, मैं तो पराठे बनाऊंगी। मेथी तो मेथी ले आया साग के रख लिया, साग भी खत्म है। कर लो सुबह पराठे के लिए, खोले ब्रोनी यहीं चढ़ गई ऊपर ही, बता मेथी बिन छोड़ती है। चल यहीं बैठ कर खाओगी इतनी बार बता दिया को, लेकिन फिर भी दाल बना देती है। आज मुझे नहीं पता मुझे चाउमीन चाहिए कैसे बनाऊं। माँ कर रही साग छारी, मम्मी बना रही रोटी। रोटी खावेगी ब्राउनी, अब खाइए। और ये चावल बच रहे थे मम्मी ने छोंक रही है। इधर घी गरम हो चुका देसी घी गिरा इसमें, और इसमें मम्मी ने चावलों में हल्दी मिर्च और ये इसमें प्याज डाल दी। अब ये चावल डल जाएंगे। और ये मैं दूध और चलाई के लड्डू खा रही हूँ, व्रत में दो बार खा ली मैंने, दोपहरे भी खाए थे, मुझे भूख लग गई थी। और अब ठंडे दूध में भिगो लिए। और ये मैंने मेथी साफ करके रखी, सुबह मेथी के पराठे बनाऊंगी, मेथी प्याज के हरी मिर्च प्याज सब डाल के। और माता जी कर रही है साग की तैयारी। कितने रह गए माता जी साग? अब साफ कर देंगी ना, फिर सुबह धो के मैं खा दूंगी कुकर में। और हमारी बरौनी देखो वह बैठी गुस्से में। और दोस्तों हमारी गर्मा गर्म नमकीन चावल बनकर रेडी हैं, आइए और खाइए मेरे साथ। और माँ जी के अब तक हमारे के कबाड़ नहीं निकला है, माँ जी पर जी लगा रहा है इस चीज़ में। जब भी साग लाओ माँ का तो एक घंटे का काम बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।